हेलो गाइस, आज हम करेंगे रिव्यू दो लेंसेज का, कंपैरिजन करेंगे। एक है एपेक्सल का 36x और एक है आपका एपेक्सल का 2240x वेरिएबल मैग्निफिकेशन वाला जूम लेंस, जैसे कि आपने कमेंट किया था मेरा यूट्यूब में। तो हम ये दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे आज और देखेंगे कि इनमें से कैसे आउटपुट आता है। पोर्ट्रेट शॉट लेंगे, वहाँ पर मैं खड़ा रहूँगा। पहले हम काउंट कर लेते हैं कितना स्टेप्स का डिफरेंस है यहाँ से। तो यहाँ से डिस्टेंस है 14 स्टेप्स का। तो पहले इसको लगाते हैं और देखते हैं आउटपुट कैसे आता है। स्टार्ट करते हैं 36x से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ब्यूटीफुल बैकग्राउंड है इसका। 36x जूम लेंस से ये शॉट है और जैसे कि देख पा रहे होंगे, मेरा फेस पूरा क्लियर है और बैकग्राउंड पूरा ब्लर है DSLR जैसा। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके नीचे बताइए। ये है आउटपुट आपका 20x 40x वेरिएबल मैग्नीफिकेशन वाला जूम लेंस का। 20x मैग्नीफिकेशन में मैंने इसको सेट किया है, लोएस्ट मैग्नीफिकेशन में। अभी हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके 40x कर देंगे और देखेंगे इसका आउटपुट कैसा आता है। ब्यूटीफुल बैकग्राउंड आ रहा है 20x में भी। अभी चलते हैं 40x में। ये है 40x जूम लेंस का आउटपुट और देख पा रहे होंगे ब्यूटीफुल बैकग्राउंड ब्लर हो गया है, ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर हो गया है और आपका जो जूम है वो ज़्यादा हो गया है। अभी मेरा फेस पूरा प्रॉपरली पूरा फ्रेम में आ रहा है, प्रीवियस 20x में थोड़ा सा ज़्यादा बैकग्राउंड दिख रहा था। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा वाला लेंस आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।